हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप चाहे स्कूल के अंदर हो या कॉलेज के अंदर हो, और आप चाहते हैं कि कहीं किसी कंपनी में आपकी इंटर्नशिप लग जाए या फिर आप चाहते हैं किसी कंपनी के अंदर आपकी जॉब लग जाए, तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। डेफिनेटली इस वीडियो में आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है, और जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ अगर आपने उन्हें फॉलो कर दिया तो डेफिनेटली 99% आपकी इंटर्नशिप या फिर जॉब लग जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा रेज्यूमे। रेज्यूमे कैसे बनाना होता है वो मैंने एक और वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक से देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उसको रेज्यूमे को बना सकते हैं, कैनवा की मदद से और चैट जीपीटी की मदद से, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है आपकी स्किल्स, कि आप किस फील्ड में आप अपनी इंटर्नशिप लगवाना चाह रहे हो, आपको किस चीज़ की नॉलेज है। जैसे अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है या फिर आपको लोगो डिज़ाइनिंग यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर आपको कंटेंट राइटर बनना है, जो भी फील्ड है आपकी उस फील्ड की स्किल्स को आपको मास्टर हासिल करना पड़ेगा, या फिर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो एज ए इंटर्न आप हायर हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ आपके पास मतलब चैट जीपीटी यूज़ करने का नॉलेज होना चाहिए। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन टूल्स बहुत सारे एआई के आ गए हैं, तो उनको किस तरीके से आप मतलब यूज़ करना है और किस तरीके से प्रॉम्प्ट देना होता है, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं यूट्यूब की मदद से। कुछ नहीं करना है इसके लिए, आपको सर्च करना है यूट्यूब के अंदर और बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको और सीखना पड़ेगा। एंड फोर्थ एंड वो जो पार्ट है मतलब फोर्थ नंबर, ये सबसे बेस्ट है और इससे मुझे भी इंटर्नशिप मिली थी और मुझे इसी की मदद से जॉब भी मिली, तो वो चीज़ है लिंक्डइन। आपके लिंक्डइन जितना प्रोफाइल मजबूत होगा उस मतलब और ज़्यादा हायर चांस रहेगा आपको सिलेक्शन रहने का, कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। तो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है और किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मतलब एक अच्छी प्रोफाइल बनाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें कैसे क्रिएट करना होता है वो तो आप तो वो आप वीडियो देख पाओगे और बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे से तैयार करना होगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे डालनी होगी, आपकी जो वर्क अगर आपने कहीं भी किया है किसी कंपनी के अंदर पहले, या फिर आपने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको भी आप वहाँ पे डिस्प्ले या कर सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो। और इससे काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि एक रिक्रूटर सोचता है कि अगर किसी बंदे को मतलब नॉलेज हो उस फील्ड के अंदर और कोई प्रोजेक्ट बना हुआ हो तो डेफिनेटली आपको हायर करेगा। तो आपका लिंक्डइन सबसे मजबूत होना चाहिए और वहाँ पे जो लाइंस आप यूज़ करते हो वो काफ़ी अच्छी वाली यूज़ करना। और नहीं आप अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी की मदद से आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको तो भी नहीं आता है तो आप लिंक्डइन पे जाइए, जिस भी फील्ड में आप नौकरी पाना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप लगवाना चाह रहे हो तो उस फील्ड को सर्च करिए, और वहाँ पे जो भी इंटर्न लगे या फिर जॉब पे लगे तो उनकी प्रोफाइल पे देखना किस तरीके से वहाँ पे लिखे हुए हैं स्किल्स के बारे में, या फिर उनके बारे में जो भी 2-3 लाइन लिखी हुई, तो उनको ज़रूर फॉलो कर देना। और जो चीज़ें रहती है वो है कि आपको अपडेट रहना होता है हर टाइम। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करना चाहते हो ना, तो आज जो मार्केट बदल रहा है एआई की मदद से, तो उस फील्ड के उस मार्केट के अकॉर्डिंग आपको भी चेंज होना पड़ेगा। आपको भी कोई एक स्किल्स पे नहीं स्टक नहीं रहना है, आपको मल्टीपल स्किल्स अच्छी मतलब आपको गेन करनी पड़ेगी, सीखना होगा। वो सारी चीज़ें कैसी होगी मैं इस YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस स्किल से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, किस तरीके से आप वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से आप वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसी चैनल पे बनाने वाला हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पे रहता है तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब अटैच कर दूंगा और बोल दूंगा आपको। लेकिन ये जो 4 मेजर थे, आपके स्किल्स, आपका रेज्यूमे और आपका चैट जीपीटी का यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि हर एक फील्ड में आपको बहुत सारी मतलब डिमांड रहती है, तो कोई भी रिक्रूटर चाहेगा कि उसको एआई टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए। और जो 4th थिंग थी वो लिंक्डइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी इंटर्नशिप या फिर एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला इन द फ्यूचर। तो वापस आके इस वीडियो पर कमेंट कर देना अगर आपको कोई हेल्प हो जाए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।